अभिनेता नागा चैतन्य और अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु ने पिछले साल अक्टूबर में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट साझा करते हुए अपने तलाक की घोषणा की थी। नागा चैतन्य और सामंथा ने 2 अक्टूबर को एक बयान जारी कर अपनी 4 साल की शादी को समाप्त करने की जानकारी साझा की थी। अब अभिनेता नागा चैतन्य ने अपनी पूर्व पत्नी अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु से अलग होने का कारण बताया है। मीडिया से बातचीत के दौरान नागा चैतन्य ने अपने तलाक पर कहा, अलग होना ठीक ही था। यह हम दोनों की व्यक्तिगत खुशी के लिए किया गया एक पारस्परिक निर्णय है। वो खुश है तो मैं खुश हूँ, ऐसे में तलाक सबसे सही फैसला है। पिछले साल दोनों ने सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान में लिखा था, हमारे सभी शुभ चिंतकों को बहुत विचार विमर्श के बाद सैम और मैंने अपने अपने रास्ते पर चलने के लिए पति और पत्नी के रूप में अलग होने का फैसला किया है। हम सौभाग्यशाली हैं कि एक दशक से अधिक की मित्रता हमारे संबंधों का मूल रही है और हमें विश्वास है कि हमारे बीच यह मित्रता हमेशा रहेगी। हम अपने प्रशंसकों, शुभचिंतकों और मीडिया से अनुरोध करते हैं कि इस कठिन समय में हमारा समर्थन करें और हमें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक गोपनीयता प्रदान करें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। दिसंबर में आयोजित फिल्म फेयर में सामंथा ने नागा चैतन्य के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था, मुझे पता है कि अभी मुझे अपनी जिंदगी और जीनी है। अपने निजी जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद पता चला कि मैं कितनी मजबूत हूँ। मुझे लगता था कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। मैंने सोचा था कि तलाक होने के बाद मैं टूट जाऊंगी और मर जाऊंगी। मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी मजबूती के साथ ये सब संभाल पाऊंगी। आज मुझे बहुत गर्व है कि मैंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि वास्तव में मुझे पता ही नहीं था कि मैं ऐसी हूँ। वर्क फ्रंट की बात करें तो सामंथा हाल ही में अभिनेता अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज में देखी गई थी। उन्होंने अल्लू अर्जुन के साथ एक विशेष गाना ऊ अंटावा ऊ अंटावा में डांस किया। के अलावा अभिनेत्री फिलिप जॉन द्वारा निर्देशित द अरेंजमेंट ऑफ लव नामक फिल्म के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना डेब्यू करने जा रही हैं। वहीं नागा चैतन्य फिल्म बंगा राजू में अपने पिता अभिनेता नागा अर्जुन अक्किनेनी, रामिया कृष्णन और कृति सेठी के साथ दिखाई देंगे। फिल्म का निर्देशन कल्याण कृष्ण कुरालसला ने किया है। उनके पास फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी है, जो इस साल 14 अप्रैल को सिनेमा घरों में आने वाली है। इस फिल्म में आमिर खान, करीना कपूर और मोना सिंह भी हैं। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। साथ ही ऐसे और भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।